My dear friends, you are mostly welcome on your channel Study for One. If you get profit from this channel, then subscribe to my channel and also press the bell icon. My dear friends, you are mostly welcome on your channel Study for One. And now I will discuss with you one another subject. Which is known as English. तो आज मैं आप लोगों के सामने बात करने जा रहा हूँ English की. तो मेरे प्यारे दोस्तों, एकदम मत घबराइए, English भी उतने ही आसान सब्जेक्ट है जितने आसान हिंदी है. अगर मैं आपसे कहूँ my dear friends, be prepared very best way because many of the government jobs comes back to back, ठीक है. तो आप सभी को आप देख रहे हैं कि आप सभी के सभी समझ चुके हैं कि बहुत सारे गवर्नमेंट्स जब आने वाले हैं एक के बाद एक करके, तो हमें अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए. तो आपका English ख़राब नहीं है, आपका कमज़ोर है ग्रामर. तो ग्रामर के लिए मैं हूँ ना, तो ग्रामर मैं सिखाऊंगा, ठीक है. इंग्लिश आइए देखते हैं इंग्लिश क्या होता है, ठीक है. अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश अपने आप में एक क्या है, इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है ना, एक भाषा है. इंग्लिश क्या है अपने आप में, एक लैंग्वेज है. और लैंग्वेज किससे बनती है, तो लैंग्वेज बनती है साउंड से. जब हमारे पूर्वज लोग जानवर थे तो वे सभी जंगल में रहा करते थे, तो वहाँ बहुत सारे और भी जानवर हुआ करते थे, तो सभी के सभी कुछ भी घटना घटने से सभी के सभी भागने लगते थे. वो तो अलग बात है, हमारे पूर्वज जो थे थोड़े से समझदार थे बाकी जानवरों से. बाकी जानवर बिना देखे भागते थे, हम देख के भागते थे, ठीक है. लेकिन उसी समय सभी के सभी जानवरों में एक मीटिंग हुई और उसी समय कहा गया कि अगर हम किसी भी प्रकार से कोई भी आपदा आती है तो हम तरह तरह से आवाज़ निकालेंगे. और उन तरह तरह के आवाज़ से ही हमारे क्या बने हैं, लैंग्वेज बने हैं, ठीक है. तो लैंग्वेज किससे बनी है, तो लैंग्वेज बनी है साउंड से. किससे बनी है, साउंड से लैंग्वेज बनी है, अलग अलग आवाज़ों से. बहुत सारे आवाज़ से क्या बनी है, लैंग्वेज बनी है. तो लैंग्वेज हमारे सामने जैसे बकरी करता है क्या, मैं से एम बना है, उसी तरह से बहुत सारे आवाज़, बहुत सारे अलग अलग जानवर मिलकर के बहुत सारे अलग अलग आवाज़ दिए. लेकिन कभी कभी अगर हमारे सामने शेर आए और हम बोले बचाओ बचाओ, तो शेर तो हमसे सबसे पहले मुझे ही खाएगा, है ना. तो इस समय क्या करें, तो उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ी साइन लैंग्वेज की. और साइन लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी, और जब हम साइन लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी तो हम क्या करने लगे, साउंड को सिंबल देने लगे. और सिंबल ऑफ साउंड को ही क्या कहते हैं, सिंबल ऑफ साउंड. जब हम साउंड को सिंबल देने लगे कि अ को ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं क्या, लेटर. क्या कहते हैं, लेटर, है ना. तो सिंबल ऑफ साउंड को ही कहा जाता है मेरा क्या, लेटर. और आप सभी जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं मेरे 26 लेटर, है ना. इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, जिसमें से वॉयल कितने होते हैं, जिसमें से वॉयल कितने होते हैं, तो आप सभी बोलेंगे 5, ए ई आई ओ यू. मेरे प्यारे दोस्तों, गलत बोल रहे हैं. वॉयल जो होते हैं, वॉयल लेटर होते हैं 5, जबकि वॉयल की तो संख्या होती है 20, है ना. वॉयल अपने आप में क्या है, वॉयल लेटर जो होता है उसकी संख्या है कितना, 5, जो क्या है, ए ई आई ओ यू. जबकि वॉयल साउंड हमारे सामने 20 वॉयल साउंड होते हैं, ठीक. और अगर मैं वॉयल की बात छोड़ करके कॉन्सोनेंट की बात करूं तो कितने होते, 21 लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर. तो इन सभी चीज़ों से बनी है. अब बताइए तो इंग्लिश आसान है या हिंदी आसान है, ठीक है. अगर मैं आप ध्यान से देखिए अपने पीछे को रिमाइंडर करके, जब आप बचपन में थे, ठीक है, जब आप बचपन में थे तो इसे लिखने के लिए कितनी बार मार खाए थे, ठीक है. ये तो अभी भी घुमाने से नहीं घूमता होगा सही तरीके से, ये इधर फिर इधर फिर इधर इधर, कभी भी सही तरीके से लिख ही नहीं पाए. तो कितनी हार्ड थी हमारी लैंग्वेज. इन सारी की सारी कमियों को पूरा किया है. और जितने भी बाकी सारे लैंग्वेज में कमियां थी, उन सभी के सभी लैंग्वेज को में जो कमियां थी उसे पूरा किया, तभी तो बना है इंग्लिश लैंग्वेज. यानी इंग्लिश लैंग्वेज सबसे बाद में बनी है और सबसे आसान भाषा है इंग्लिश. इसीलिए तो इंग्लिश को दर्जा दिया गया है क्या, इंटरनेशनल लैंग्वेज.
इंग्लिश जो होती है अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है, और एज ए पर्सन हमें अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी जानना होगा। जैसे आप ही को अगर आपका जॉब हो जाए, कोई लड़की आपसे कोई इंग्लिश में दो वर्ड बात कर दे और आप बात करने नहीं सके तो आपको खराब लगेगी ना। इसीलिए तो हम लोग इंग्लिश को अपने लिए पढ़ेंगे, ठीक है, ना कि किसी एग्ज़ाम के लिए। और ये अपने लिए पढ़ेंगे तो अपने लिए जब किसी चीज़ को करते हैं ना, वो काफ़ी बेटर हो जाती है। और वो काफ़ी, और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा हूँ, और मैं भी उन्हीं स्कूल से पढ़ा हूँ जिसमें से आप लोग पढ़ करके आए हैं। और मैं भी समय के साथ अगर हम किसी सब्जेक्ट को समय देते हैं तो वो सब्जेक्ट हमारा एकदम कमांड बन जाता है। मेरा भी आज कमांड बन चुका है, ठीक है। तो सारी के सारी चीज़ें बहुत आसानी से चलेंगे हम लोग, सारी के सारी चीज़ें, और बहुत आसान है सभी के सभी सब्जेक्ट और सभी के सभी। लेकिन एक बार बस खाली आप उसका साथ तो देने नहीं छोड़े। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इंग्लिश का नाम से ही सुनकर घबरा जाते हैं, इंग्लिश छोड़ दो, नहीं होगा ये वो कैसा। ऐसे स्टूडेंट लाइफ में कभी सक्सेस नहीं करेगा, ठीक है। हमें हमेशा जिज्ञासु बनना होगा, हमें हमेशा हर चीज़ को सीखने की भावना रखनी होगी। और जब हमें हर चीज़ को सीखने की भावना रखेंगे ना, तो इंग्लिश भी सीखना होगा। और आज आपके सामने सिलेबस में इंग्लिश नहीं हुआ तो क्या हुआ, कुछ दिन में CET आने वाला है जिसको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, जिसमें से सभी के सभी जॉब मर्ज हो जाएंगे। उसमें से रेलवे भी, बैंक भी, डिफेंस भी, सभी के सभी जॉब मर्ज हो जाएंगे। और उसमें से 25 नंबर इंग्लिश, 25 नंबर मैथ, 25 नंबर रीजनिंग और 25 नंबर GS का रहेगा। उसमें से आप, उसमें तीन एग्जाम होगा, एक 10th लेवल में, एक 12th लेवल में और एक ग्रेजुएशन लेवल में, ठीक है। और उसमें से आप जो भी नंबर लाएंगे, उसमें से कोई पास फेल नहीं होगा। आप जो भी नंबर लाएंगे, नंबरों को काउंट किया जाएगा, और जिस एग्जाम को जितना जरूरत है उतना से उससे ऊपर बच्चा को कॉल करेगा, और सिर्फ उन्हीं बच्चों को वो मेंस लेगा और आगे वो क्वालिफाई करेगा, ठीक। तो आगे आने वाले एग्जाम में इंग्लिश मस्ट बी इंपॉर्टेंट। तो और ऐसे भी हर चीज़ों को, और ऐसे भी जब हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार हम ग्रुप डी की तैयारी करें और एक बार हम NTPC की, तो इस तरह से कभी भी अगर पढ़ेंगे ना तो कभी भी जॉब नहीं निकलेगा, ये लिख के ले लीजिए, ठीक है। अगर हम एग्जाम वाइज एक्सपर्टीज बनाएं तो हमें कभी भी नहीं, एक बार रगड़ के डालो हर सब्जेक्ट को, ठीक है, और सिलेक्शन लेते रहो। पढ़ेंगे हम एक बार और सिलेक्शन लेंगे बार बार, रगड़ के पढ़ेंगे हर चीज़ों को, हर कॉन्सेप्ट को जानेंगे एकदम बेहतर तरीके से। इसके लिए आपको पढ़ाने वाला भी बेहतर होना चाहिए, है ना। तो इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है वो किससे बनी है, लेटर से, ठीक है। और मैं हिंदी और इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, तो ये जो हिंदी लिखे थे आप भी जानते हैं, आपको कितना मार पड़ी होगी, कितने डंडे पड़े होंगे। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज पूरे के पूरे लाइन सेगमेंट से बनी है। देखिए ए कितना आसान है, एम है ना, क्या हिंदी से आसान नहीं है, है कितना आसान है, एन कितना आसान है, ओ पूरे के पूरे लाइन सेगमेंट से बनी है ये लैंग्वेज। तो हमारे सबसे आसान जो सब्जेक्ट है वो चाहत तो ये है कि हम इसके तरफ एक दिन भी आकर्षित नहीं हो, एक बार भी अट्रैक्शन नहीं होना चाहते। नाम सुनकर ही जो चीज़ों में भाग जाएंगे उसे आप कभी उसे अपना कैसे पाएंगे, है ना। तो जिसका नाम सुन करके जिधर जाते हैं ना उधर उसको अपना लेते हैं आप लोग, है ना। आप लोग समझ चुके हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक। तो हमेशा किसी चीज़ को जानने की, किसी चीज़ को पाने की जिज्ञासा रहना चाहिए, ठीक है। तो लेटर, तो हम लोग पढ़ चुके थे लेटर क्या होता है, सिंबल ऑफ साउंड, है ना। जो ध्वनि का जो प्रतीक होता है, ध्वनि का क्या होता है, प्रतीक होता है, ठीक है, उसे ही क्या कहा जाता है, और लेटर। और लेटर अपने आप में इंग्लिश लैंग्वेज में 26 होती है, जिसमें से 5 ऐसे लेटर हैं जिसको हम लोग वॉयल कहा जाता है, है ना, जो AEIOU, और 26 ऐसे हैं जो कॉन्सोनेंट है, ठीक। इन्हीं लेटरों से बना है हमारा सबसे पहले वर्ड। क्या बना है, लेटर से बना है हमारा सबसे पहले वर्ड। तो क्या लेटर से सबसे पहले वर्ड जो बना है, क्या मेरा ABCDE ये कोई वर्ड है, नहीं है ना। तो वर्ड कैसे बना है लेटर से, वर्ड बना है द अरेंजमेंट ऑफ लेटर व्हिच प्रोवाइड ए मीनिंगफुल साउंड, है ना। उन्हीं लेटर को अरेंज किए हैं जो एक मीनिंगफुल साउंड प्रोवाइड करें, ठीक है। तो वर्ड क्या है हमारे सामने, अरेंजमेंट ऑफ लेटर व्हिच प्रोवाइड ए मीनिंगफुल साउंड, अरेंजमेंट ऑफ लेटर व्हिच प्रोवाइड ए मीनिंगफुल साउंड, है ना। अक्षरों का जो एक क्या अरेंजमेंट को अरेंजमेंट करेंगे और जिससे जो एक मीनिंगफुल साउंड बनेगा उसी को क्या कहते हैं, वर्ड, है ना। तो लेटर से हम लोग सबसे पहले क्या बनाना शुरू किए, वर्ड बनाना शुरू किए। और वर्ड कैसा, वर्ड जो होता है, वर्ड जाके आगे जाकर 3 भागों में क्लासिफाइड हो जाता है। जब वर्ड को हम लोग, वर्ड से 3 चीज़ें बना सकते हैं। वर्ड से सबसे पहले बनता हमारा फ्रेज।
अब फ्रेज क्या होता है, ठीक है, जैसे वर्ड आप सभी जानते हैं, एक लुक है ना, लुक मतलब क्या होता है, देखना, आफ्टर मतलब बाद में, लेकिन जब ये वर्ड, जब ये दोनों वर्ड मिलकर के एक फ्रेज बन जाती है, जब दो या दो से अधिक वर्ड आके एक अलग ही मीनिंग प्रोवाइड करें तो उसे क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं, ठीक है, जो उसका बेसिक मीनिंग है उससे अलग मीनिंग प्रोवाइड करें तो उसको क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। जैसे मैं अगर लुक आफ्टर लिख दूँ, लुक आफ्टर, तो इसका मतलब होता है देखभाल करना, जब दो या दो से अधिक एक साथ मिल करके, एक साथ कंबाइंड होकर के एक दूसरा ही मीनिंग प्रोवाइड करे, एक अलग ही मीनिंग प्रोवाइड करे उसके बेसिक मीनिंग से, तो उसको क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। तो आप सभी जान चुके हैं फ्रेज वर्ड से ही बना है हमारी एक क्लाउज। अब क्लाउज क्या होता है, क्लाउज जो होता है, इसमें क्लाउज में जरूरी नहीं है कि वो जो सेंटेंस, जो अरेंजमेंट होगा वर्ड का, वो एक सेंसफुल सेंटेंस बने, वाक्य बने, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने, ये जरूरी नहीं है। क्लाउज में जरूरी है, हर एक क्लाउज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए। इसमें क्या है, मस्ट बी इम्पोर्टेंट है, सब्जेक्ट और प्लस एक वर्ब, है ना। जब किसी भी दो वर्ड मिलकर के एक सब्जेक्ट और के वर्ब का रोल प्ले करता है तो उसे क्या कहते हैं, क्लाउज। इसमें ऑब्जेक्ट का जरूरत है चाहे ना रहे, जबकि हर एक सेंटेंस में सेंटेंस को लिए एक मीनिंगफुल साउंड देना जरूरी है, ठीक है, लेकिन क्लाउज के लिए मीनिंगफुल साउंड देना जरूरी नहीं है। जैसे मैं कहूँ आई एट, है ना, मैंने खाया, है ना, क्या ये मीनिंगफुल साउंड दे रहा, मैंने खाया, फिर पूछेगा अगला ना क्या खाया, है ना। जैसे बोलेगा आई रेड, मैं पढ़ रहा हूँ, ये है एक सब्जेक्ट और ये एक वर्ब, तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब के जो रिक्वायरमेंट जो पूरा करती है ना। लेकिन एवरी सेंटेंस भी अपने आप में क्लाउज हो। और सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस वो होता है जब बहुत सारे वर्ड को अरेंजमेंट करके एक मीनिंगफुल सेंस दे, तो उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड व्हिच प्रोवाइड ए मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड व्हिच प्रोवाइड ए मीनिंगफुल सेंस एक ऐसा वर्ड, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड जो क्या करे, एक मीनिंगफुल सेंस प्रोवाइड करे, उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, ठीक। जैसे कहूंगा राम गोज टू स्कूल, है ना, या राम गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है, ये किस, ये हमें पता चल रहा है राम जा रहा है कहाँ, स्कूल। तो सारे के सारे चीज़ें कैसे अरेंजमेंट है जो हमें एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। एक वाक्य जो होता है, एक सेंटेंस का जो होता है, वो कंप्लीट जो सेंस प्रोवाइड करता है उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। लेकिन मैं अगर लिखूँ आई एट मैंगो, है ना, मैंने आम खाया, तो ये भी अपने आप में एक सेंटेंस, एक मीनिंग देता है, तो क्या ये, हाँ, लेकिन अभी भी ये क्लाउज भी है और सेंटेंस भी है, यानी हर सेंटेंस क्या हो सकते हैं, क्लाउज हो सकते हैं, हर सेंटेंस क्लाउज हो सकते हैं, लेकिन हर क्लाउज सेंटेंस नहीं हो सकते। क्यों, कि हर क्लाउज पूरी तरह मीनिंग दे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हर क्लाउज में मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है, सबसे कम जरूरत क्या होती है, वो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होने से ही क्लाउज कहते हैं, ठीक। तो आप लोग को सेंटेंस, क्लाउज और फ्रेज की समझ आ चुकी है। लेटर वर्ड जो होता है, जब हम लोग इंग्लिश वर्ड बनाने सीखे थे तो वर्ड में हम लोग को सबसे पहले जरूरत पड़ा था किसका, नाम का, है ना, हमें जरूरत पड़ा था सबसे पहले नाम का, नाम का। तो हम सबसे पहले बनाए क्या, नाउन, क्या बनाए, नाउन। और बताइए तो नाउन क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। तो किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहा जाता है, यानी पर्सन प्लेस और थिंग, यानी पर्सन प्लेस और थिंग, है ना, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। यही रटे हैं ना अभी तक, हम एक वर्ड में इसको सीधे सीधे बोल सकते हैं, नाउन क्या है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, है ना। चलिए मैं इसे मिटाता हूँ और आगे पढ़ाता हूँ, ठीक। तो हम लोग वर्ड को क्लासिफाई कर रहे थे, ठीक है, हम लोग कर रहे थे वर्ड को क्लासिफाई,
ठीक, जिसमें से हमारे सामने आया था क्या, हमको सबसे पहले ज़रूरत पड़ा था नाम बनाने के लिए, है ना। तो नाम बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या जरूरत पड़ा, नाउन का, है ना, या नाउन का। और नाउन क्या होता है, पर्सन प्लेस और थिंग, ए नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। ए नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, है ना। किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को ही क्या कहता है, नाउन कहते हैं, यही ना। लेकिन इसे ही आजकल व्यक्ति का नाम जैसे राम, है ना, स्थान का नाम जैसे दिल्ली, है ना, और वस्तु का नाम जैसे मार्कर, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, नाम है। राम भी एक नाम है, दिल्ली भी एक नाम है, और मार्कर भी एक नाम ही है, है ना। मैं मार्कर बोलने से कोई दूसरा चीज़ थोड़ी देंगे, क्योंकि इसे स्पेशलाइज्ड कैटेगराइज करने के लिए नाम दिया गया है, ठीक है। इस पे इसको पार्टिकुलर बनाने के लिए नाम दिया जाता है। तो नाउन को हम डायरेक्ट एक वर्ड में बोल सकते हैं, एवरी नेमिंग वर्ड, सभी नाम वाले शब्द क्या है, नाउन है। तो नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड। तो एवरी नेमिंग वर्ड क्या है, क्या होते हैं, नाउन होते हैं। एवरी नेमिंग वर्ड इज नाउन, जो भी नाम वाले शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं, ठीक। तो नेमिंग वर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले जब हम नाम बनाए थे तो नाम बना रहे थे क्यों, किसी चीज़ को पार्टिकुलरिटी बनाने के लिए, किसी चीज़ को खास बनाने के लिए। क्योंकि अगर मैं एक ही नाम से 15 आदमी का नाम रख दूँ तो मैं बुलाऊँगा तो कौन आएगा ये पता चलेगा नहीं। लेकिन जब हम नेम बनाए थे तो ये क्या था, सिंगुलर था। लेकिन हमें लगा हमारी जनसंख्या कम है और हमें लोगों मार ना दे, जानवरों खा ना जाए, इसीलिए हम हमारे जनसंख्या को बढ़ाने लगे, है ना। और आज तो हमारे सामने नाम क्या हो सकते हैं, प्लुरल भी हो सकते हैं। जैसे मैं इस सेंटेंस कहूँ तो देयर आर टू राम्स इन आवर क्लास, सही है, देयर आर टू राम्स इन आवर क्लास, हमारे यहाँ कितने राम हैं, दो। तो जो भी नेमिंग वर्ड है वो क्या होता है, नाम होते हैं। जो भी नेमिंग वर्ड होते हैं वो सारे के सारे क्या है, नाउन है। जो भी नेमिंग वर्ड है वो सभी के सभी नाउन है। लेकिन अगर मैं बात करूँ क्या यहाँ तक मेरा डेफिनेशन क्वालिफाई कर जाता है, हाँ, क्या मेरे सभी के सभी नाउन होते हैं। आगे जाके तो हमें एडवांस तरीके से भी पढ़ना होगा अब नाउन क्या होता है। मगर बोलूँ एयर, है ना, क्या ये नाम है, ऑनेस्टी, है ना, क्या ये नाम है। लेकिन नाउन तो ये भी है। तो आगे जाकर हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे नाउन क्या होता है। वो नाउन वो होता है जो हु, व्हाट और होम का रिप्लाई दे। नाउन किसे कहते हैं, जो हु, व्हाट और होम का रिप्लाई दे। अगर मैं कहूँ एयर इज वेरी कोल्ड, ठीक है, हवा बहुत ठंडी है, है ना, एयर इज वेरी कोल्ड। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज वेरी कोल्ड, तो आप एक वर्ड में आंसर देंगे क्या, एयर। तो ये किसका रिप्लाई हुआ, व्हाट का रिप्लाई। तो जो व्हाट का रिप्लाई होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। जो हु का रिप्लाई होता है वो नाउन होता है। जैसे मैं कहूं राम लव्स मी, है ना, राम लव्स मी। अगर मैं पूछूं हु लव्स मी, तो आप लोग क्या आंसर देंगे, राम। ये किसका रिप्लाई हुआ, हु का रिप्लाई। हु का रिप्लाई क्या होता है, नाउन होता है। अगर मैं पूछूं राम लव्स होम, है ना, राम लव्स होम, तो क्या बोलूंगा मुझे। अगर मैं कहूं आपसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी अपने आप में क्या हुआ, नाउन हुआ, है ना। नाउन होगा तभी तो सब्जेक्ट बनेगा, और बिना नाउन का सब्जेक्ट पॉसिबल है नहीं। तो हर नाउन क्या होगा, या तो वो सब्जेक्ट हो सकता है या वो क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें तीन चीज़ों की मुख्यतः ज़रूरत होती है। सबसे पहला वो होती है सब्जेक्ट, और दूसरा जो होती है वर्ब, और तीसरा जो होती है ऑब्जेक्ट, है ना। इन तीन चीज़ों, कभी कभी इन दो
इन दो चीज़ों में भी बन जाता है, मीनिंग देता है, लेकिन वो क्लॉज कहलाता है। अगर तीनों आ जाती है सेंटेंस, अगर पूरे के पूरे मीनिंग सही तरीके से दे रहा है तो उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? नाउन। हम बार बार, अब हमारे सामने अगर मैं फिर से पूछूं राम इज इंटेलिजेंट, हु इज इंटेलिजेंट, तो राम का हु का रिप्लाई कौन? राम। तो ये क्या हो गया? अपने आप में नाउन होगा ना। देखिए नाउन क्या होता है ऐसे, ठीक, जैसे एक बात बोलूं मैं, राम इज ए बॉय एंड राम इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ठीक है। राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है और वो क्या है? इंटेलिजेंट, वो तेज है, ठीक है, तेज है। तो देख रहे हैं हम हमारे सेंटेंस में दो दो बार राम हो जा रहा है, तो बहुत बार अगर राम 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 करेगा तो हम इरिटेट हो जाएंगे पढ़ने में, ठीक है। तो रिपीटेशन, यानी रिपीटेशन से बचने के लिए, नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम एक नए पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिस्कवर करते हैं जिसे कहते हैं क्या? प्रोनाउन, ठीक है। तो नाउन के बदले या नाउन के बदले में जो आए या द वर्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, तो उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन, ठीक है। तो रिपीटेशन, रिपीटेशन से बचने के लिए, रिपीटेशन से बचने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन इज कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन, है ना। प्रोनाउन कहाँ आते हैं? जहाँ नाउन आते हैं। तो प्रोनाउन भी क्या हो सकते हैं? हमारे सब्जेक्ट। तो अब मैं इसे कहूँगा राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है एंड ही वाज ए, एंड ही इज ए इंटेलिजेंट, तो यहाँ मैं राम का यूज करूँगा? नहीं, यहाँ मैं प्रोनाउन का यूज करूँगा, तब हमारा ये सेंटेंस क्या होगा? सही होगा। तो नाउन और प्रोनाउन इसका यूज कहाँ होता है? या तो सब्जेक्ट में होगा, या तो सब्जेक्ट किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में होगा या ऑब्जेक्ट में होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ठीक। लेकिन कभी कभी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए कोई और एक चीज़ आ जाता है। बोलो आई वॉन्ट टू बाई ए कार, मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ, मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, सही है, ठीक है। जिसमें से आई क्या है? नाउन है, सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट नाउन है, वांट क्या है? वर्ब है, ठीक है, वर्ब। बाई क्या है? वर्ब है। अब यहाँ मैं पढ़ाऊँगा आपको वर्ब में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, एग्जीक्यूलरी वर्ब क्या होता है, मॉडल वर्ब क्या होता है, ये सारी के सारी चीज़ें डीपली एकदम, और मैं जो भी पढ़ाऊँगा विदाउट रूल, कोई भी रूल नहीं होगा उसमें से, सारी के सारी चीज़ें समझ बना करके हर वो चीज़ें समझाऊँगा आपको एक बेटर तरीके से, ठीक। मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, आई वॉन्ट टू बाई ए कार, ठीक है, मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ, ठीक। अगर मैं पूछूं आई हैव ए रिंग, आई हैव ए रिंग, है ना, मेरे पास एक रिंग है, मेरे पास क्या है? एक रिंग है। लेकिन जब बातों को एम्फेसाइज करने की जरूरत होती है, लेकिन इसी बात को अगर बोलना चाहे आई वॉन्ट टू ए ब्लैक कार, आई वॉन्ट टू बाई ए ब्लैक कार, ठीक है, तो कार, कार अपने आप में क्या है? नाउन। अब नाउन को एम्फेसाइज कर रहा है कि कार जो होना चाहिए वो क्या? ब्लैक होना चाहिए। कार जो होना चाहिए वो क्या? ब्लैक होना चाहिए। अगर मैं बोलूं आई हैव ए गोल्ड रिंग, तो रिंग अपने आप में क्या होता है? रिंग अपने आप में क्या है? नाउन है। और इस नाउन को एम्फेसाइज कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे बता रहा है, ठीक है, उसके बारे बता रहा है, चाहे वो खराब हो चाहे वो बुरा, ठीक है। जो नाउन और प्रोनाउन में कुछ भी डिटेल ऐड करे, जो नाउन और प्रोनाउन में कुछ भी डिटेल ऐड करे उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव, जिसे आप लोग विशेषण कहते हैं, ठीक है, मैं भी कहता हूँ। जो नाउन और प्रोनाउन में कुछ भी डिटेल ऐड करे तो उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक। लेकिन अगर मैं बोलूँ ऐसे सेंटेंस में एरर कैसे होता मैं बता देता हूँ, आई हैव टू गोल्ड रिंग, है ना, मेरे पास दो
गोल्ड सीलिंग है ना, तो क्या सेंटेंस सही है? नहीं, मेरे पास दो क्या है, दो गोल्ड्स है कि दो रिंग्स है? दो मेरे पास रिंग्स है तो गोल्ड्स को प्लूरल क्यों बनाए हो? रिंग्स को प्लूरल बनाओ ना, है ना। मॉडिफायर को क्यों प्लूरल कर रहे हो? मॉडिफायर का प्लूरल पॉसिबल नहीं होता है। तो बहुत सारे ऐसे टीचर जो पढ़ाते हैं, जो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 करते हैं, उन्हें कभी ये भी नहीं पता कि 2 1 जा 2 ये जा का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सब एकदम बोले जा रहे हैं, सब एकदम पढ़ाए जा रहे हैं, तो हमें हर चीज़ों का कॉन्सेप्चुअली डेवलपमेंट चाहिए, ठीक है। हम हर वो चीज़ को मीनिंगफुल तोड़ेंगे सभी के सभी चीज़ों को, और मीनिंगफुल तोड़ने के बाद ही मैं सारे के सारे चीज़ों को एक बेटर कॉन्सेप्ट के साथ लेके चलूँगा, ठीक, ताकि हमारे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। जैसे अगर मैं पूछूँ आपसे, यहाँ ये कोई है, यहाँ भरना आपको, यहाँ दिया है आपको डियर माई हिज, और चौथा दिया है नॉट, है ना, डियर माई हिज नॉट, तो क्या हो गए हैं? सही, सही हो गए हैं। हिज इज ए न्यू कार, देखने में बहुत उटपटांग लग रहा है लेकिन है सही। कैसे? ग्रामेटिकली प्रूव करना होगा। जब मैं आपको नाउन में पढ़ाऊंगा पॉजिटिव प्रोनाउन, तो इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। हिज इज ए न्यू कार भी अपने आप में सही है, माइन इज ए न्यू कार भी अपने आप में सही है। ये सेंटेंस भी आपको देखेंगे तो बहुत उटपटांग लगेगा, माइन इज ए न्यू कार, लेकिन मैं इस सेंटेंस को अभी तोड़ देता हूँ। इस माइन के यहाँ लिख सकते हैं माई कार इज ए न्यू कार, है ना, तो ये सेंटेंस सही लग रहा है। तो कार कार दो बार आ रहा है और दो बार आ रहा है, इसीलिए कार को हम प्रोनाउन में कन्वर्ट कर रहे हैं, और माई क्या दिखा रहा है, पॉजेसिव। तो हमें एक ऐसा प्रोनाउन चाहिए जो खुद भी पॉजेशन भी दिखाएं और खुद प्रोनाउन भी हो, तो इस केस में हम क्या यूज करते हैं, माइन का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस अपने आप में सही है, ये सेंटेंस अपने आप में सही है, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोलूं, व्हेन आई जंप माई बेड, When I jumped on my bed, I see, मैंने देखा a snake crawling on the ground, ठीक है। जब मैं अपने किसमें बेड पर कूद गया तो हमने देखे, मैंने देखा क्या, एक जो स्नेक है जो क्रॉलिंग कर रहा है कहाँ पर, ग्राउंड पर। तो क्या ये सेंटेंस सही है? तो एक बार ध्यान से देखिए, ये सेंटेंस आपको सही लगेगा, है ना, लेकिन ये सेंटेंस सही नहीं है। अगर इसको देखेंगे तो इसका मीनिंग कहीं ना कहीं गलत है, ठीक। अगर हम इसे पढ़ते हैं, जब मैं बेड पे चढ़ा तो बेड मेरा कहाँ होगा, रूम के अंदर होगा। तो रूम के अंदर हमारा ग्राउंड नहीं होता, रूम के अंदर जो होता है उसे कहते हैं फ्लोर, है ना। ऐसे बहुत सारा चीज़ें हम लोग गलत पढ़ते हैं, गलत जहाँ लिखते हैं। हम लोग बचपन से एक चीज़ें गलत पढ़ के आए हैं, जैसे लिखते हैं कभी कभी रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड सर अपने आप में गलत है, और गलत ही पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि हमें पढ़ाया ही गलत गया, ठीक है। रेस्पेक्टेड सर, सर जो वर्ड होते हैं, सर वर्ड ही क्यों, क्या करने के लिए होते हैं, सर जो वर्ड होते हैं ये रेस्पेक्ट देने के लिए बनाया गया है, और रेस्पेक्ट से पहले फिर से रेस्पेक्टेड लगाना ये तो सुपरफ्लॉस एक्शन हो जाएगा, होगा ना। कभी कभी हम लोग बोलते हैं फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर, ये फैमिली मेंबर अपने आप में क्या है, ये भी गलत है, क्योंकि बहुत सारे मेंबर मिलकर ही क्या बना है, फैमिली बना है। तो फैमिली फिर मेंबर, फिर मेंबर, तो बहुत सारे मेंबर फिर मेंबर, तो अपने आप में गलत होता। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ओल्ड रिकॉर्ड, ओल्ड रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड तो पुराना ही होता है, है ना, रिकॉर्ड क्या होता है, पुराना होता है, तो पुराना फिर पुराना लगाना गलत है। इंटरनेट में आप एक वर्ड देखेंगे लेटेस्ट अपडेट, है ना, लेटेस्ट अपडेट, अपडेट मतलब ही क्या, जो नया आया है, फिर लेटेस्ट अपडेट क्या होता है, ठीक है, ये उसके हिसाब से सही है, हाँ, लेकिन ग्रामेटिकली सारी के सारे चीज़ें गलत हो जाते हैं। तो ग्रामेटिकली क्या चीज़ें सही होती है, एग्जाम में क्या चीज़ें हमें क्या लिखने से क्या सही होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा।
उसके बाद एक वर्ड आता है वर्ब, है ना, वर्ब, वर्ब, ठीक है। वर्ब का क्या काम होता है? वर्ब जो दिखाता है, वर्ब किसको दिखाता है? सबसे पहले वर्ब तो टाइम को दिखाता है ना, ये बताता है कि हमारा जो जो सेंटेंस ये कब का है, ठीक है, ये प्रेजेंट का है या ये फ्यूचर की बात कर रहा है, ये क्या, ये दिखाता है प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। तो मैं कहूँ राम वाज ए साइंटिस्ट, राम एक साइंटिस्ट था, तो हमें पता चल जाता है ये सेंटेंस जो वाज दिखा रहा है ये क्या है, पास्ट की बात है, राम साइंटिस्ट था। अगर मैं कहूँ राम इज गोइंग टू स्कूल, अब ये क्या प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस, अभी जा रहा है ना, गो दिखा रहा है ना, तो ये क्या है, प्रेजेंट की बात है, आई विल गो दियर, है ना। उसके बाद अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ, आई विल गो दियर, तो ये क्या चीज़ को दिखा रहा है, फ्यूचर टेंस को दिखा रहा है, ठीक है। तो वर्ब क्या दिखाता है, वर्ब दिखाता है हमें कि सेंटेंस में कौन सा टाइम चल रहा है, इसके साथ साथ वर्ब दिखाता है हमें एक्शन को भी, वर्ब दिखाता है कार्य को भी, ठीक है, कार्य। तो कार्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो उसका परफेक्ट प्रोसेस बोलते हैं, परफेक्ट प्रोसेस, अगर काम पूरे के पूरे फिनिश हो चुका तो उसे क्या, परफेक्ट प्रोसेस, अगर काम कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस। लेकिन इन सबों के अलावा भी हमारे सामने और एक होता है, जैसे लाइफ, है ना, लाइफ की कुछ चीज़ें आती है जो हमें कार्य नहीं होती है लेकिन वो भी वर्ब होती है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, तो क्या ये कोई काम की है हम लोग, लेकिन नो अपने आप में क्या है, वर्ब है। जैसे मैं बोलता हूँ मैं पढ़ाता हूँ, तो क्या मैं ये, मैं पढ़ाता हूँ ये मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ, तो मेरे ये बताना कि मैं पढ़ाता हूँ ये क्या कोई मेरा काम है, नहीं। तो लाइफ में बहुत सारे वर्ड भी ऐसे होते हैं जो क्या चीज़ों के यूज करते हैं, कार्य को दिखाने के लिए, जो एक्शन को दिखाने के लिए, जो अपने आप में एक्शन नहीं होती है, ठीक। तो वर्ब इतने सारे चीज़ों को दिखाती है, आगे पढ़ेंगे मॉडल वर्ब क्या होता है, एग्जीक्यूलरी वर्ब क्या होता है, ठीक है, होता है, ठीक है, इन सारी चीज़ों से, मॉडल वर्ब से कैसे एरर बनते हैं, इन सभी के सभी से। अगर मैं बोलूं राम कम सुनील, राम कम सुनील, तो क्या राम कम सुनील अपने आप में ये सेंटेंस सही लग रहा है, ये सेंटेंस हमारे जो वर्ब है और जो नाउन है, वर्ब और नाउन को रिलेट नहीं कर पा रहा, तो हमें यहाँ एक अलग से ग्रामर का जरूरत पड़ता है, एक अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत पड़ती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इस दोनों वर्ड को रिलेट करने के लिए, और दो वर्ड को रिलेट करने के लिए जो आता है उसे ही तो कहते हैं प्रीपोजिशन। यानी प्रीपोजिशन क्या है, हमारा रिलेटेड वर्ड है, रिलेटिंग वर्ड है, रिलेटिंग वर्ड है ना, प्रीपोजिशन क्या है, रिलेटिंग वर्ड है, दो वर्ड को रिलेट करने के लिए जो वर्ड आते हैं, जैसे राम कैम फॉर सुनील, राम आया सुनील के लिए, राम कैम विथ सुनील, राम सुनील के साथ आया, ठीक है। तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, तो जो वर्ड किसी दो वर्बों को रिलेट करने के लिए आए हो, दो नाउनों को रिलेट करने के लिए आए हो, दो नाउन प्लस वर्ब को रिलेट करने के लिए आया हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रीपोजिशन। आप लोग सुने होंगे एडवर्ब, जो नाउन, जैसे नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए नाउन और प्रोनाउन में जो कुछ भी डिटेल ऐड करता है उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। उसी प्रकार नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके बाकी किसी में भी जो डिटेल ऐड करता है, बाकी किसी के बारे भी जो बताता है, उसे क्या करते हैं, एडवर्ब करते हैं, उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब। जैसे रन फास्ट, वो तेज दौड़ता है, ठीक है, रन अपने आप में वर्ब है, और वर्ब को जो क्वालिफाई कर रहा है क्या, रन फास्ट, तो रन दौड़ रहा है ये तो वर्ब है, पता चल रहा है, लेकिन रन फर्स्ट और कैसा दौड़ रहा है उसके बारे बता रहा है, तो जो वर्ब के बारे बताएं उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। आप लोग कभी कभी वर्ब को, वर्ब से और भी काम सुने होंगे, वर्ब के साथ कभी कभी आप लोग एक सेंटेंस देखे होंगे, जब हॉल जाते हैं, स्मोकिंग इज इंजोरियस फॉर हेल्थ, है ना, तो सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है, स्मोकिंग से, तो स्मोकिंग से कोई सेंटेंस शुरू हो, क्या कोई सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है, नहीं। यानी स्मोकिंग वहाँ अपने आप में क्या है, नाउन है, तो वर्ब प्लस आईएनजी कभी नाउन भी होता है, हाँ, जब वर्ब प्लस आईएनजी हमें नाउन की तरह एक्ट करता है, जब वर्ब प्लस आईएनजी नाउन की रोल प्ले करता है, तो उसे क्या कहते हैं, जिरंड कहते हैं। आगे मैं सारे के सारी चीज़ों को एकदम बेहतर तरीके से समझा करके पढ़ाऊंगा, एक बेहतर तरीके से, ताकि आपको इंग्लिश में भी कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। इंग्लिश में तीन सेक्शन में बटे होते हैं हमारे सारे सारे, एक ग्रामेटिकली जो तो मेरा जिम्मा है, मैं उसे पढ़ाऊंगा, ठीक है, मेरा ही जिम्मा नहीं, आप लोगों को भी कॉपरेट करना होगा, आप लोगों को भी साथ चलना होगा, तभी हम आज के बड़े से बड़े जॉब
क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि सारी के सारे चीज़ों में एक बेहतर एक्सपीरियंस बनाएंगे तो हर वो जॉब निकलेगी हमारी, ठीक। यह हो चुका भर्ब। अगर मैं एक वर्ड कहूं आपको, ठीक है, सन इन लॉ, सन इन लॉ, ये अपने आप में कैसा वर्ड है? ये अपने आप में सिंगुलर है या प्लुरल है? तो आप सभी कहेंगे ये अपने आप में कैसा वर्ड है? सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। कैसा वर्ड है? सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। तो सिंगुलर वर्ड है तो इसका प्लुरल करी कीजिए, तो इसका प्लुरल क्या होगा? सन्स इन लॉज, सन इन लॉज, सन्स इन लॉज, नो, नन ऑफ देम, ठीक है। तो क्या हुआ, देखिए अब सन इन लॉ क्या होता है ये थोड़ा मैं समझा देता हूँ। हम लोग किसी भी चीज़ को इतना बेहतर तरीके से समझाते हैं, ये समझिए पहले सन इन लॉ क्या होता है, ठीक है। सन इन लॉ मतलब आप सभी जानते हैं क्या होता है, दामाद होता है, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, ठीक, और इसके सामने इसका दोस्त खड़ा है, इसके सामने इसका दोस्त खड़ा है, ठीक, और इस व्यक्ति का जो दामाद है, दामाद है ये यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, ये इसके साथ आया है घूमते हुए, लेकिन ये इस व्यक्ति को, इस व्यक्ति के बारे पूरा सब कुछ पता है। मान लीजिए इस व्यक्ति का अपना दो बेटा है और ये व्यक्ति जानते हैं इसका दो बेटा है, तो जब ये व्यक्ति पूछेगा ये कौन है, ठीक है, ये जो तुम्हारे साथ आए हैं ये कौन है, तो इसने क्या जवाब देगा? ही इज माई सन, ठीक है, ही इज माई सन, क्या होगा, ये मेरा क्या है, बेटा है। लेकिन ये बोलेगा तेरे तो दो ही बेटे थे, ये नया कहाँ से टपक पड़ा, है ना। तो क्या बोलेगा आगे, इन लो कानून में, है ना, ये मेरा जो बेटा है ये कानून में बेटा है, ठीक है, कानून में, कानून की तरफ से मेरा बेटा है, ठीक है, इसका मतलब जो है क्या, मेरा दामाद है। लेकिन अगर बोलेगा आई हैव मैनी सन्स इन लो, आई, मेरे सामने बहुत सारे दामाद है, मेरे जो बहुत ज़्यादा दामाद हैं, तो क्या करेंगे हमको, मेरे बहुत ज़्यादा दामाद है, ठीक है, आई हैव मैनी सन इन लॉज, तो क्या ये सेंटेंस सही है? तो सही है, तो सही है, आई हैव मैनी सन इन लॉ। अब बताइए आपको कानून ज़्यादा है कि बेटा ज़्यादा है? तो कानून ज़्यादा है आपका, आपके सामने बेटा दामाद ज़्यादा है ना, तो कहाँ लगाएंगे, सन्स में लगाइए। तो इस तरह से सारी के सारी चीज़ों को एकदम बेहतर तरीके से अगर हम लोग रूल ना रटे ना, जितने भी बाहर की किताब है ना, जितने भी आउटर यूनिवर्सिटी, फॉरेनर यूनिवर्सिटी का, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो इसकी किताब में ना कोई रूल है ही नहीं, रूल तो खाली इंडियन के बूढ़े बूढ़े आदमी जो बनाए हैं उसकी किताबों में मिलते हैं, ठीक है। तो रूल को पढ़ना छोड़िए, चीज़ों को समझना सीखिए, और जब हम हर चीज़ों का समझ बना लेंगे ना, मैं आपका लेवल बना लूँगा ना, तो हर जॉब निकलेगा। Village to village are destroyed by flood, ठीक है, village to village are destroyed by flood, इसका मतलब क्या, गांव के गांव तबाह हो गए, है ना, गांव के गांव क्या हो गए, तबाह हो गए बाढ़ के कारण। तो क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं है। ये village to village, ये आपसे कभी आएगा door to door, डोर टू डोर, ये जो होता है ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर वर्ड है, और सिंगुलर वर्ड है तो क्या होगा, इज होगा, होगा ना, है ना। लेकिन ये दिखाता है किसको है, ये प्लुरल को, ये शो करता है किसको, प्लुरल को। जैसे कभी कभी बोलते हैं ना, मैं घर घर जाकर किताब बेची, है ना, तो ये वर्ड जो होते हैं सिंगुलर वर्ड है। हर एक चीज़ों का, हर एक वर्ड का बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मैं एक वर्ड आपके सामने फिर से लाता हूँ, This property will be divided between four brothers.
है ना, इस प्रॉपर्टी को चार भाइयों में बांटा जाएगा, है ना। हम अगर बात करें, यह सेंटेंस अपने आप पे सही है तो किसी किसी को लगेगा, लेकिन ये सेंटेंस अपने आप में क्या होता है, गलत है। ठीक है, ये सेंटेंस अपने आप में गलत है क्योंकि दिस प्रॉपर्टी विल बी डिवाइडेड बाय फोर ब्रदर्स, चार आदमियों के बीच में बांटा जाता है। तो हम बिटवीन का यूज नहीं करते हैं, तब हम क्या यूज करते हैं, अमंग, है ना। तो हमें वर्ड टू वर्ड समझना होगा सारी के सारी चीज़ों को, तभी जाकर हमारा एक बेहतर कमांड बनेगा। अगर मैं आपको प्रोनाउन की ही बात करूँ तो कितने सारे प्रोनाउन होंगे, जैसे आप प्रोनाउन जानते हैं ही, सी, इट, दे, आप यही सब प्रोनाउन जानते हैं ना। चलिए देखिए, मैं और भी प्रोनाउन सब, और भी बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं, मुझे वो सिखाना होगा आपको। जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट वाज देयर, है ना, स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स में से एक, है ना, ज्यादा में से क्या, एक। तो ये एक क्या है, एक भी स्टूडेंट है, यानी एक जो है ये भी तो प्रोनाउन की ही बात कर रहे हैं ना। नाउन ये क्या हो गया, स्टूडेंट नाउन, और नाउन में से बहुत ज्यादा, नाउन में से एक नाउन, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ज्यादा स्टूडेंट में से एक, वाज देयर क्या थे, वहां थे, ठीक है, वेयर देयर होने से फिर ऑल ऑफ द स्टूडेंट हो जाता है, ऑल ऑफ द स्टूडेंट वेयर देयर हो जाता है, ठीक। तो ये वन भी अपने आप में क्या है, प्रोनाउन। तो ही, सी, इट के अलावा वन भी प्रोनाउन है। जैसे अगर मैं बताऊं काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होता है, काउंटेबल नाउन क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं स्टार काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो आप सभी जवाब देंगे क्या होता है, स्टार होता है, अनकाउंटेबल होता है, अगणनीय संख्या होती है। अगर मैं आपसे पूछूं मनी, यानी तो मनी, टाइम, ये क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो आप कहेंगे क्या है, ये काउंटेबल है। स्टार जो होता है अगणनीय संख्या है, मनी क्या होता है, अगणनीय संख्या है, और ये क्या होता है, टाइम। आपको पूछो फ्लावर, फ्लावर क्या होता है, अगणनीय संख्या होता है बोलेंगे, है ना। लेकिन स्टार अपने आप में काउंटेबल नाउन होता है, स्टार अपने आप में क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है। अगर कोई टीचर आपसे पूछता है, अगर कोई टीचर आपसे बोलता है ना कि मैं दोबारा भी बोल रहा हूँ कि स्टार काउंटेबल नाउन है, तारा जो है गणनीय संख्या है, तारा क्या है, गणनीय संख्या। अगर आपसे कोई टीचर बोलता है कि तारा अगणनीय संख्या है, तो उस टीचर से दूर भागिए, ठीक है, उसमें नॉलेज नहीं है, ठीक। वो आपके लाइफ को खुद का तो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो आपको भी एक्सपेरिमेंट कराएगा। ऐसे टीचरों से एकदम नहीं पढ़ना है जो खुद का बेसिक मजबूत नहीं किए, दूसरों को ज्ञान फूंकते रहते हैं, ठीक है। हमेशा उन्हीं टीचर से पढ़ें जो खुद जॉब क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक। उन्हें पता चलेगा कि जॉब में आने में किस जगह पर कौन सा मोड़ मोड़ना पड़ता है, किस जगह पर कहाँ छोड़ना पड़ता है क्वेश्चन को, कौन सा क्वेश्चन को कैसा टैकल करना पड़ता है, कितना सा क्वेश्चन को बनाने के लिए कितना टाइम लगाना पड़ता है, और उस क्वेश्चन को कहाँ से हम टैकल करें ताकि मेरा वो क्वेश्चन आसानी से बन जाए। ये सारे के सारे एक्सपीरियंस होते हैं जो खुद जॉब क्वालिफाई करते हैं और करंट में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1948 में जॉब क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। तो उस समय के जॉब क्वालिफाई और अभी का कंपटीशन लेवल बहुत डिफरेंस है, तो डिफरेंस हमेशा बनाए रखें, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं 10 o'clock, कहीं ऐसा लिखा हो रहेगा 10:30 o'clock, ये भी अपने आप में क्या होता है, एक गलत वर्ड है, ये भी अपने आप में एक गलत वर्ड है, ठीक। जैसे कभी कभी होता है apostrophe s का यूज, है ना, apostrophe s, apostrophe s, apostrophe s होता है ये, apostrophe बोलते हैं, क्या होता है, apostrophe s, ठीक है। इसमें ये क्या चीज के लिए होते हैं, ये लिविंग के लिए, ये लिविंग के लिए यूज होता है, और नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए क्या होता है, यूज नहीं होता। जैसे बोलूंगा टेबल्स लीग, जैसे मैं बोलूं टेबल्स लीग, तो ये अपने आप में गलत होता है, होता है ना, हमें बोलना पड़ता है द लेग ऑफ टेबल। लेकिन कोर्ट, कोर्ट भी तो मेरा क्या है, निर्जीव चीजें हैं, लेकिन कोर्ट्स वर्डिक्ट, है ना, कोर्ट्स वर्डिक्ट अपने आप में सही होता है। तो कब सही होता है, कब नहीं सही होता है, इन सारी चीजों को आपको समझाना होगा एक बेहतर तरीके से। लेकिन रामस्कार अपने आप में सही होता है, होता है ना, रामस्कार अपने आप में सही होगा। अगर मैं कहूँ
राम्स एंड रोहित हाउस हैज सोल्ड, है ना। तो ये अपने आप में गलत होगा, ठीक है। क्यों? इसमें एस नहीं लगेगा, इसमें लगेगा। आगे मैं सिखाऊंगा जब एपोस्ट्रोफी एस का कॉन्सेप्ट, करीबन 3 घंटा से ज़्यादा का कॉन्सेप्ट होता है एपोस्ट्रोफी एस, ठीक। लेकिन यही चीज़ें राम्स एंड रोहित लाइफ लिखने से ये अपने आप में सही होता है, ठीक है। तो कब सही होगा, कब नहीं सही होगा, इन सारे के सारे चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली जानना है। और मैं बोल रहा हूँ ना, तो मैं कोई रूल रटाऊंगा ना ही कुछ, सारे के सारे चीज़ों को समझ बनाऊंगा। पूरी के पूरे मैथ में बिना एडवांस जब तक नहीं छुएंगे तब तक कोई फार्मूला को टच भी नहीं करेंगे, ठीक है। फार्मूला को टच नहीं करना है, चाहे वो CI हो चाहे SI हो, पूरे के पूरे CI SI विदाउट फार्मूला के साथ ही सॉल्व करूंगा। और चाहे जो भी क्वेश्चन हो आपके सामने, वो चाहे 3 साल का हो या चाहे 2 साल का हो, हर तरह का क्वेश्चन हो, चाहे CI मैंने SI दिया हो चाहे जो भी दे के रखा हो, ठीक, सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होगी। इसी तरह अगर बोलूँ मैं रानीस एंड मोहिनीस हस्बैंड, तो ये क्या होता, अपने आप में सही होगा? नहीं, दोनों के एक हस्बैंड हो नहीं सकता, ये गलत है। लेकिन अगर ये मैं बोलूँ, अगर मैं बोलूँ रानी एंड मोहिनी हस्बैंड, तो ये सही है। वी शुड हेल्प द पुअर्स, है ना। तो ये अपने आप में गलत होता है, क्योंकि पुअर्स ज़्यादा आदमी को दिखाता है, पीपल को दिखाता है, गरीब लोग को दिखाता है, फिर से उसको ऐसमत लगाओ। जैसे रानी एंड मोहिनी हस्बैंड, रानी का और मोहिनी का हस्बैंड, है ना, गलत है ना। दोनों का एक हस्बैंड कैसे हो सकता है, भारत में तो लीगल नहीं है। लेकिन रानी और मोहिनी हस्बैंड, इसका मतलब क्या हुआ, रानी एक लड़की है, है ना, और मोहिनी का हस्बैंड एक लड़का है, ये दोनों आर गोन टुगेदर, दोनों साथ में जा रहे हैं, तो बोल सकते हैं ना, तब ये अपने आप में सही होता है। तो टेक्निकली सारी चीज़ों को समझ बनाएंगे। अगर मैं बोलूँ देयर इज नो स्पेस इन कार, ठीक है, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और आपके कार में पूरे के पूरे गाड़ी भरा हुआ है, ठीक है, उसमें दूसरा आदमी का बैठने का जगह नहीं है, ठीक है। तो कोई आदमी आपसे पूछ रहा है, रुको रुको हम भी जाएंगे, ठीक, तो आप बोलेंगे देयर इज नो स्पेस इन ए कार। देर इज नो स्पेस इन ए कार, कार में कोई जगह नहीं है। तो कार में कोई जगह नहीं है, ये बोलना हमारे लिए गलत है कि सही है? ये बोलना हमारे लिए गलत है। वो तो बोलेगा कार में जगह तो है, स्टेयरिंग के ऊपर जगह है, है ना, सर के ऊपर जगह है, कार के छत के ऊपर जगह है। तो इसको बोलना क्या चाहिए, देर इज नो सीट इन ए कार, है ना, सीट नहीं है, स्पेस तो है हमारा। तो ऐसी नेगेटिव मीनिंग वाले इरर होता है डिटेक्शन, इसी तरह से इरर सारे के सारे इरर को सीखेंगे। मैं बोलूँ 10th किलोमीटर आर ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो होगा ये सही? नहीं, 10th किलोमीटर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस होगा ना, 10th किलोमीटर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस होगा। अगर मैं कहूँ ही इज माई इंग्लिश टीचर, तो ये सेंटेंस सही है कि गलत है? तो बहुत सारे टीचर इस सेंटेंस को सही बोलते हैं, तो ही इज माई इंग्लिश टीचर, है ना, ये गलत है, ही इज माई इंग्लिश टीचर कभी नहीं होगा, ठीक है। होता है ही इज माई टीचर ऑफ इंग्लिश, टीचर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश टीचर का मतलब होता है, इंग्लिश टीचर का मतलब होता है कोई ब्रिटिश आदमी जो यहाँ शिक्षक है, ठीक है। इंग्लिश मैन का मतलब क्या होता, अंग्रेज होता है, इंग्लिश मैन का मतलब अंग्रेज होता, उसी तरह इंग्लिश टीचर का मतलब कोई अंग्रेज शिक्षक होगा, है ना। तो ये और ये दो अलग अलग चीज है। अगर मैं लिखूं देयर इज नो डिस्प्यूटेड बिटवीन अस, है ना, तो अस का यूज कर रहा है, तो बिटवीन नहीं, हमें पता नहीं है कितना का, तो यूज करो किसमें, अमंग का,
अमंग, क्या अमंग सही है? अभी अमंग सही है? नहीं, अमंग के बाद अगर कोई भोयल आता है तो ये अमंगस्ट हो जाता है। ठीक, हो गया। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ही जंप्ड ऑन द टेबल दोनों का सेंटेंस सेम टू सेम है ना। बताइए तो इसमें डिफर क्या है ना, बताइए इसमें क्या डिफर है। ही जम्प्ड ऑन द टेबल है ना, और इसमें एक है ही जम्प्ड ऑन टू द टेबल। दोनों का डिफरेंस ये है, ही जम्प्ड ऑन द टेबल यानी ये कोई टेबल है। ठीक है, और ये जो व्यक्ति है इस पर जंप हो रहा ऊपर और नीचे, तब हम कहेंगे ही जंप्ड ऑन द टेबल, तब ये सही है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो यहाँ से लेकर के यहाँ आ गए और जंप कर रहे हैं, वो टेबल से जंप किया कहाँ, नीचे, तो उसे क्या कहेंगे, ही जंप्ड ऑन टू द टेबल है ना, ही जंप्ड ऑन टू द टेबल, या तो यहाँ से गया या तो वहाँ से आए, ही जंप्ड फ्रॉम टेबल बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं कंपैरिजन सिखा रहा हूँ आपको थोड़ा। तो हमें समझना होगा, ठीक है, हमें रूल रटने से कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही इज एज गुड एज आई है ना, इसका मतलब क्या है, वो उतना ही अच्छा है जितना कि मैं, वो उतना ही अच्छा है जितना कि क्या, मैं। दिस हाउस इज बिगर देन योर है ना, क्या ये सेंटेंस सही है? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ये सेंटेंस सही है, बहुत सारे टीचर भी बोलते हैं ये सेंटेंस सही है, लेकिन क्या ये सेंटेंस सही है, दिस हाउस इज बिगर देन योर? नहीं, दिस हाउस इज बिगर देन योर ये कैसे पॉसिबल होगा, हाउ इट पॉसिबल? कोई हाउस तुमसे बड़ा है यार, घर को इंसान के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो? कंपेरिमेंट हमेशा सेम चीज़ों पर होता है, कंपेयर किसके साथ होता है, सेम चीज़ों को। इंसान को इंसान के साथ कंपेयर करो, जानवर को जानवर के साथ कंपेयर करो। तो हम इसे पूरा लिखते हैं, ठीक है, दिस हाउस इज बिगर देन योर हाउस, ठीक है, दिस हाउस इज बिगर देन योर हाउस। तब दो बार हाउस आ गए, इन्हें छोटे चीज़ों को हमें छोटा करना है, इन हाउस को, तो इन हाउस को हटाने के लिए हमें एक प्रोनाउन चाहिए, और हमें प्रोनाउन कैसा चाहिए, जो पोजिशन भी दिखाए, तो हमें पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज करना होगा, किसका, योर्स है ना। और इस समय योर्स में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना, क्योंकि योर खुद ही उसका पोजिशन दिखा रहा, उसके बाद फिर पोजिशन लगाओगे तो ये एरर हो जाएगा। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं माइन इज ए न्यू कार, तो आप लोग को ठीक नहीं लगेगा, लगेगा नहीं, लेकिन ये सेंटेंस अपने आप में सही है, माइन इज ए न्यू कार सही, एग्जाम में आने से सही होगा मेरा, माइन इज ए न्यू कार, इसका देखिए मीनिंग होता है, माई कार इज ए न्यू कार है ना। तो दो बार कार आया, तो किसी एक जगह हमको क्या करना होगा, प्रोनाउन का यूज करना होगा, तो माई इस कार का प्रोनाउन का यूज करना होगा, और कैसा प्रोनाउन, जो हमारा पॉजिशन भी दिखाए, तो हमें पॉजिटिव, तो माई के साथ पॉजिटिव प्रोनाउन जो होता है वो क्या होता है, माइन। तो माइन इज ए न्यू कार अपने आप में क्या है, सही है। ठीक, ऐसे ही मैंने ये लिखाया था क्या, हिज इज ए न्यू कार, ये भी सही है अपने आप में, हिज इज ए न्यू कार। अब पढ़ेंगे तो बोलेंगे हिज के बाद इज, गजब क्या टीचर है। एक सेंटेंस ये होता है, राम इज बेटर देन सुनील, क्या राम सुनील से अच्छा है, क्या राम सुनील से अच्छा है, राम इज बेटर देन सुनील, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बेटर क्या होता है, कंपेरेटिव डिग्री, और कंपेयर हमेशा किन चीज़ों के बीच में होती है, सेम चीज़ों के बीच में, इसका मतलब होता है राम भी बेटर है, राम इक्वल टू बेटर, और सुनील भी बेटर है, इसका मतलब कोई भी गुड या बेस्ट नहीं है, दोनों के दोनों बेटर हैं, राम थोड़ा ज़्यादा बेटर है सुनील से, इसका मतलब यही होता है। लेकिन कभी कभी आपसे एग्जाम में कैरी करने के लिए ये क्वेश्चन दे देगा,
राम इज सीनियर देन सुनील, इसका मतलब क्या होगा? राम भी सीनियर है और सुनील भी सीनियर है, दोनों सीनियर कैसे हो सकता है? सीनियर तो कोई एक ही होगा ना, दोनों सीनियर कैसे होता है? दोनों अच्छा हो सकता है, बेटर हो सकता है, लेकिन दोनों सीनियर कैसे हो सकता है? सीनियर एक दिन का भी, एक सेकंड का भी तो बड़ा छोटा कोई एक होगा, तब राम इज सीनियर देन सुनील, तब देन कंपरेटिव डिग्री का यूज नहीं होगा, तब मेरा क्या यूज होगा? राम इज सीनियर टू सुनील होगा ना। तो ये सारा कहानी है, ये सारा फंडा है पूरे के पूरे इंग्लिश में। इन सभी चीज़ों को एक बेहतर तरीके से समझेंगे, सारे के सारे चीज़ों को मीनिंगफुल तरीके से, हर वो वर्ड का मीनिंग जानते हुए, ताकि आपको कोई भी रूल रटना ना पड़े और हम अपने हर एक फील्ड पर आगे चलेंगे एक सक्सेस की मुकाम की तरफ।